समंदर के सीने पर बन रहे ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट की अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इसे टोल फ्री करने की मांग जरूर कर दी है। ठाणे की खाड़ी लांघकर समंदर पर बना है ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट, जो मुंबई से नवी मुंबई, पुणे और गोवा के फासले को कई किलोमीटर तक कम कर देगा। इसके बनने से मुंबई और नवी मुंबई की दूरी अब 15 मिनट की रह जाएगी। वैसे आमतौर पर इतना फासला तय करने में 1 से 1.5 घंटे तक का समय लग जाता है, और भीड़भाड़ वाले वक्त में तो और भी ज्यादा। कोई निर्माण हम जब करने जाते हैं, आज वहां जाने के लिए, आज नई मुंबई में जाने के लिए करीबन 1.5 घंटा लगता था, 20 मिनट में जाएगा आदमी। पेट्रोल की बचत, वक्त की बचत और जल्द से सुखद प्रवास जिसको बोलते हैं, वो करने की कोशिश ये सरकार ने की। अरे बाबा, तुम 25 साल थे, तुम क्यों नहीं टोल फ्री कर सके महाराष्ट्र को? ट्रांस हार्बर लिंक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। 22 किलोमीटर लंबे पुल को बनाने की कल्पना महाराष्ट्र सरकार लंबे समय से कर रही थी। कई अड़चनों के बाद आखिरकार 2016 में काम शुरू हुआ, लेकिन अब इसको लेकर भी राजनीति हो रही है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर इसे टोल फ्री करने की मांग की है। कि जब सरकार थी तो टोल मुक्त कर देते, अभी चिंता करने की, अभी भाषण देने की क्या जरूरत है? उन्होंने उस समय उनकी सरकार की घोषणा कर देते, रिकॉर्ड में ले आते। अभी ये सब सस्ती वाहवाही लूटने के तरीके हैं, जो बंद होने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रांस हार्बर लिंक के शुरू हो जाने से मुंबई की पहचान में एक नाम और जुड़ जाएगा, लेकिन इससे पहले ही पुल के टोल को लेकर सियासत गर्मा गई है। ये सिरसाट जो आदित्य ठाकरे को दो टुक सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि हालांकि क्रेडिट वॉर के लिए सिर्फ इस तरह के आरोप आदित्य ठाकरे सरकार पर लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।